वेलकम टू चैनल स्किल इन फैंटेसी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसीसी वुमेन्स इमर्जिंग टी20 का जो फास्ट सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे इंडिया ए वुमेन वर्सेस श्रीलंका एवं कुछ दूसरे के बारे में। दोस्तों ये रिजर्व डे यानी ये मैच आज ही होना था, ठीक है, तो बारिश की वजह से आज नहीं हुआ था, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कल ये मैच और एक और मैच जो रहेंगे दोस्तों वो भी सेमीफाइनल टू रहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बांग्लादेश वर्सेज पाकिस्तान वुमेन ए के बीच में। तो दोस्तों आई होप कि ये मैच कंप्लीट होगा क्योंकि दोस्तों रिजर्व डे है तो और यहाँ पर बारिश भी दोस्तों यहाँ पर 9 जून तक ही दिखा रहा था, ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों यहाँ पर कल वेदर क्लियर हो जाएगा और ये मैच दोनों ही कंप्लीट होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों टीम का मैच यूनिक पेरिस में लेकर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए इंडिया वोमेन यहाँ पर ऑन साइडली मैच जीतेंगे तो यहाँ पर 95% चांस है कि इंडिया ए वोमेन ऑन साइडली मैच को विन करेंगे और श्रीलंका वोमेन के जीतने का चांस 3/5% मान के जा सकते हैं। श्रीलंका वोमेन जब पहले बैटिंग करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया वोमेन की तरफ से सारे बॉलर्स को पिक कर लीजिएगा और आज इस मैच में दोस्तों कौन ऐसा डिफेंसर पिक कराएंगे जो आपको ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग और एसएल जीता के दे सकते हैं वो भी आपको वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को जब पूरा देखोगे आपको हर एक खिलाड़ी के बारे में जानकारी मिल जाएंगे और आप जीएल की अच्छे खासा कॉम्बिनेशन खुद से ही बना पाओगे। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते रहिएगा और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए क्योंकि आप किसी चैनल में लगातार बहुत सारे मैचेस की कवरेज बिल्कुल फ्री में मिलते रहेंगे। अभी जब आपको टीम देखने मिलेंगे वो एक डेमो टीम रहेंगे, ठीक है। फाइनल जो टीम रहेंगे वो आपको अपडेट टॉस अपडेट लाइनअप हमारे टेलीग्राम चैनल में देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक आप किसी वीडियो के फास्ट कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों पहले तो दोनों टीम का जो मैच खेले उस मैच का स्कोर कार्ड देख लेते हैं। तो देख सकते एक ही मैच हुआ था दोस्तों यूनाइटेड आरओ एमिरेट्स के सामने और देखिए यूनाइटेड आरओ एमिरेट्स एक वीक टीम है, उन्होंने सिर्फ 95 रन बना पाए थे, उसके बावजूद भी देख सकते इनका हालत काफी ज्यादा खराब हुआ था। दोस्तों एक ही खिलाड़ी रहेंगे जिसका नाम है विष्णु गुणरत्न, ने ठीक ठाक पिक रहेंगे, ठीक अंडर 19 का कप्तान भी थे और श्रीलंका के लिए ऑलरेडी खेल चुके हैं, इसका जो मेन टीम है उसी टीम से ऑलरेडी खेल चुके तो आप इनको चाहो तो बैक कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। वुमेन्स देखिए पहले तो बॉलिंग भी करते थे, रिसेंटली बॉलिंग बिल्कुल नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं या फिर पिक भी इनको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 8 गेंद में 10 रन बने थे, एक चौका और एक छक्का लगाया था। फिर देख सकते हैं आप जो रहेंगे तो विकेट कीपर बल्लेबाज कौशानी इनका सीधा सीधा ड्रॉप कर सकते हैं, 14 रन बनाए थे। एक विकेट कीपिंग सेक्शन में इंडिया की तरफ से बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेंगे जो ओपनिंग भी करेंगे। फिर देख सकते हैं दोस्तों इन्हीं साथ 15 रन बने थे, सीधा सीधा ड्रॉप कर दीजिएगा। संदीप पांडे एक अच्छे पिक रहेंगे क्योंकि बैटिंग से थोड़ा पॉइंट और बॉलिंग आपको 4 ओवर देंगे, तो जब पहले बॉलिंग करेंगे श्रीलंका में आप इनको बिल्कुल टीम में पिक करके जा सकते हैं। निमेश बहुत ही बार पिक रहेंगे, ठीक है, आप इनको भी अपनी टीम में पिक करके जा सकते हैं। फिर दोस्तों बार रहेंगे देख सकते हैं निकांत सना, यहाँ पर 12 रन बने थे, यानी बहुत ही बड़े पिक रहेंगे क्योंकि दोस्तों रिसेंटली श्रीलंका मेन टीम से भी डेबू कर चुकी है। फिर देखिए रश्मि सिल्वा, आप इनको पिक कर लेना, बैटिंग सेक्शन में रहेगी, देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, आपके लिए बहुत ही बढ़िया डिफरेंशियल पिक होने वाले इस मैच में, ठीक है। तो आप जब देख सकते हैं मधुसूदन ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग किए थे, 4 विकेट चटका दिए थे। फिर देख सकते तारिका ने भी 1 ओवर बॉलिंग किए थे विकेटलेस, यहाँ पर देख संदीप पांडे 3 ओवर में 1 विकेट, सैनी 4 ओवर में 2 विकेट। फिर देख सकते निमेश मधुसूदन ने बहुत ही अच्छा बॉलिंग किए थे, 4 ओवर में 2 विकेट। रश्मि सिल्वा 4 ओवर की फुल बॉलिंग किए थे, विकेटलेस गए थे। एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों काफी ज्यादा वीक टीम के साथ मैच हुआ था, ठीक है, इसलिए इनको शायद इतना विकेट मिले थे। इंडिया ए वुमेन काफी स्ट्रॉन्ग टीम है तो शायद इतना विकेट इन सबको ना मिले, इस चीज को ध्यान में रखना। फिर भी जब श्रीलंका पहले बॉलिंग करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों निमेश माधुसानी, फिर दोस्तों रहेंगे यहाँ पे माधुसिका, ठीक है, संदीप पानी और यहाँ पे सहनी, इन चारों को तो जरूर लेके जाइएगा। तो सिर्फ एक ही मैच खेले जो कि हांगकांग वुमेन के सामने हुआ था, देख सकते हो हांगकांग वुमेन को यहाँ पर क्या किए थे उन्होंने, 34 रन पर ऑल आउट कर दिए थे। बैटिंग से परफॉर्मेंस देख सकते हैं सोईता से राउंड बहुत ही अच्छा पिक रहेंगे, जब पहले बैटिंग करेंगे इंडिया वुमेन तो आप इनको कैप भी बना सकते हैं, बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी 19 का दोस्तों ये लीडिंग रन स्कोर आ रहे हैं, ठीक है। उमा चेत्री दोस्तों ओपनिंग करने के लिए आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया और तगड़ा पिक रहेंगे विकेट सेक्शन से, आप इन्हीं को लेकर जाइएगा। देख सकते हैं दोस्तों तीसरा रहेंगे जीत ईसाई, बहुत ही अच्छा पिक बन जाएंगे क्योंकि ऑनडाउन में बैटिंग दे रहे हैं, अगर इस मैच में भी ऑनडाउन पर मेन से रहेंगे तो आप इनको जरूर अपनी टीम में पिक कर लीजिएगा। बॉलिंग सेक्शन में देख सकते टी संधू बहुत ही अच्छा पिक रहेंगे, क्या भी बना सकते हैं 2 ओवर में 1 मिनट के साथ 1 विकेट। फिर देखिए मन्नाथ कैसू ने 2 ओवर में 2 विकेट चटका, तो ये भी बहुत ही अच्छा पिक रहेंगे। ब्रेडी अनुष्का ये भी बहुत ही अच्छा पिक रहेंगे और ब्रेडी अनुष्का इस मैच में बहुत ही बड़े और तगड़ा डिफेंसर पिक रहेंगे, जब इंडिया ए वुमेन पहले बॉलिंग करेंगे आप इनको अपनी टीम में जरूर लेके जाइएगा। फिर देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों के गौतम रहेंगे, ये भी बहुत ही तगड़ा पिक रहेंगे, इन्होंने देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया था दोनों ने, हालांकि विकेट नहीं मिले थे लेकिन इस मैच अगर बॉलिंग करने के लिए फिर से आएंगे ना तो विकेट आपको दिला के जाएंगे। श्रेयांका पाटिल कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए डिफॉल्ट पिक, वाइस कैप्टन नहीं भाई कैप्टन के लिए डिफॉल्ट पिक, वाइस कैप्टन बनाओगे तो आपका टीम विनिंग जोन से भी बाहर जा सकते हैं क्योंकि दोस्तों 99% लोगों का ये कैप्टन रहेंगे इस मैच में, ठीक है, होना भी चाहिए। बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको अच्छा खासा पॉइंट दिला देंगे। पी चोपड़ा बहुत ही अच्छा पिक रहेंगे, ये भी वाइस कैप्टन के लिए, लेकिन देख सकते हैं काफी ओवर होने के बाद इन्होंने बॉलिंग करने के लाए थे, अगर इस मैच फिर से इनको लेट बॉलिंग करने के लिए लाएंगे तो हो सकता है दोस्तों इनको विकेट मिलने के लिए कुछ बचा ही ना हो, ठीक है, क्योंकि जो भी बॉलर्स पहले बॉलिंग करने के लाएंगे उनको विकेट मिल जाएंगे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना टीम बनाएगा। विकेट कीपिंग सेक्शन में उमा छेत्री आपके लिए डिफॉल्ट पिक रहेंगे क्योंकि बैटिंग से ओपनिंग करने के लाएंगे और विकेट कीपिंग भी करेंगे और इंडिया तो ऐसे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है तो विकेट कीपिंग से भी एक खिलाड़ी को 20-25 आसानी से पॉइंट दिला के जाएंगे। यहाँ पर देखिए श्रीलंका की तरफ से 2 खिलाड़ी विकेट कीपिंग से खेलेंगे लेकिन मैं किसी को पिक नहीं करूंगा, एन संदीप ऑन रन पाएंगे तो आप इनको चाहते बैक कर सकते, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर पिक नहीं करूंगा।
बैटिंग सेक्शन में देखिए बस जी तीसरा बहुत ही अच्छा पिक रहेंगे। आज दुलानी को आप चाहो तो बैक कर सकते हैं, मैं पिक नहीं करूँगा। फिर दोस्तों भी राजापक्सा एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, आप चाहते इनको भी बैक कर सकते हैं, मैं इनको भी आपके लिए पिक नहीं करूँगा। यहाँ पर दोस्तों जो रहेंगे मैंने आपको बताया था कि दोस्तों यहाँ पर आर से ऑन दी इनका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ये खिलाड़ी लास्ट मैच में चार ओवर की बॉलिंग किए थे, हो सकते इस मैच में भी आपको अच्छे खासा बॉलिंग दे दे। तो बैटिंग सेक्शन में ये आपके लिए एक डिफेंसर पिक रहेंगे। श्रीलंका ओमेन जब पहले बॉलिंग करेंगे इस चीज़ को ध्यान में रखना, तब दोस्तों बैटिंग सेक्शन से यहाँ पर जहाँ पर आपको मिनिमम तीन खिलाड़ी चाहिए वहाँ पर दोस्तों इस खिलाड़ी को लेके जाइएगा, ठीक है। इस मैच में भी अगर चार ओवर बॉलिंग करेंगे ना तो एक आधा विकेट इनको मिल सकते हैं, ठीक है। मैंने दोस्तों अभी के लिए यहाँ पर पिक करूँगा यहाँ पर जीत ईशा को और यहाँ पर मैंने सिराउंड को पिक करूँगा। सिलेक्शन देखिए दोस्तों भाई बिल्कुल भी नहीं, और कितना बड़ा खिलाड़ी है, ठीक है। जब एक परफॉर्मेंस कर देंगे आपको पता चलेंगे। अंडर 19 का दोस्तों लीडिंग रन स्कोर है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और ये दोस्तों वोमेंस आईपीएल में भी खेल चुके हैं, ठीक है। वहाँ पर भी ओपनिंग करने का मौका मिले तो आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन खिलाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों डिफेंसर पिक याद रखना आर सी मंदी यानी दोस्तों आर सिल्वा ए ही है, ठीक है। आप इनको जरूर लेके जाइएगा जीएल की टीम में। ऑलराउंडर सेक्शन में देखिए श्रियंका पैटिल, फिर दोस्तों मैं यहाँ पे पिक करूँगा एम सेहनी को, बहुत ही अच्छा पिक रहेंगे। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे डी बिहाना अगर खेलेंगे ना इनको पिक कर लेना, बहुत बड़ा नाम है श्रीलंका ओमेन की तरफ से, ठीक है। ये भी अंडर 19 का दोस्तों बहुत ही शानदार खिलाड़ी, अगर खेलेंगे आप इनको डेफिनेटली अपनी टीम में पिक करके जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों रहेंगे बी अनुष्का और के गौतम। सिलेक्शन देखिए दोनों का भाई बिल्कुल भी नहीं है, और मैं आपको बार बार ये दोनों खिलाड़ी आपको आज जीएल जिता के दे सकते हैं। दोनों खिलाड़ी का सिलेक्शन नहीं है, दोनों खिलाड़ी आपको दोस्तों एक दो विकेट मिनिमम चटका के दे सकते हैं जब बॉलिंग करेंगे पहले इंडिया ओमेन, ठीक है। और ये दोनों को फिर से अगर बॉलिंग करने का मौका मिल जाए तो जरूर लेके जाएगा टीम में। यहाँ पर दोस्तों के अनुजा देखिए एज ए बैट्समैन प्ले करेगा, तो इंडिया ओमेन जब पहले बैटिंग तभी पिक करना, अदरवाइज इनको ड्रॉप कर दीजिएगा क्योंकि बैटिंग करने का मौका ही ना मिले शायद, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एम जो रहेंगे मदर सिंह के बहुत अच्छा पिक रहेंगे, मैंने उनका अभी के लिए पिक किया हूँ। और दोस्तों यहाँ पर रहेंगे यू देख सकते हैं यू थीमेस्तान, आप इनको चाहो तो बैक कर सकते हैं, मैं पिक नहीं करूँगा। मैंने यहाँ पर दोस्तों बी अनुष्का और यहाँ पर रहेंगे दोस्तों जो कि गौतम दोनों को पिक किया हूँ, ठीक है। इंडिया ए जब पहले बॉलिंग करेंगे तो मैं दोनों को अपनी टीम में लेकर जाऊँगा, दोनों यहाँ पर बहुत ही बढ़िया डिफेंसर पिक रहेंगे। बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों यहाँ पर रहेंगे देखिए पी चोपड़ा, फिर दोस्तों एम कैसप और टी सांधो, इन तीनों का आप ड्रॉप नहीं कर सकते, तीनों ही बहुत ही बढ़िया बॉलर है, ठीक है। ये तीनों आपको अच्छा खासा पॉइंट दिला के जाएंगे, लेकिन श्रीलंका ओमेन जब पहले बॉलिंग करेंगे तो मेरे टीम में आपको डेफिनेटली चेंजेस देखने मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों श्रीलंका की तरफ से आपको दो खिलाड़ी देखने मिलेंगे, एक तो यहाँ पे एन माधुस्वामी और दोस्तों रहेंगे यहाँ पे एन सांदरपानी, दोनों बहुत ही बड़े पिक रहेंगे। तो इन दोनों को ड्रॉप करना फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे क्या करना, यहाँ पर देखिए बी अनुष्का या फिर के गौतम, इन दोनों को ड्रॉप करके आप बिल्कुल इन दोनों के साथ चले जाइएगा, ठीक है, कि आपके लिए सेफेस्ट ऑप्शन रहेंगे। या फिर आप चाहो तो एस सांदापानी को ड्रॉप करके बॉलिंग सेक्शन बैटिंग सेक्शन में एक और पिक रहेंगे आर सिल्वा, आप इनको भी पिक कर सकते हैं क्योंकि ये भी आपको चार ओवर की फुल बॉलिंग देंगे, ठीक है। और इंडिया की तरफ से किसी को भी पिक करना है यहाँ पर तो पिक करना एस तिवारी को अगर खेलेंगे तो, ठीक है। और यहाँ पर भी राजापक्सा बहुत ही बढ़िया पिक रहेंगे, मैंने आपको बता दिया श्रीलंका ओमन की तरफ से अंडर 19 पे कैप्टनसी कर रहे थे। मैंने उस पर के गौतम और पे बी अनुष्का को पिक कर रहा हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर बात की जाए तो मैंने कैप्टनसी दोस्तों डिफॉल्ट कैप्टन जो रहेंगे उन्हीं को दे दिया श्रीलंका पैटिल को, वाइस कैप्टन मैंने टी सांधु को दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, पावर प्ले में जो दो तीन बार बॉलिंग करेंगे ना वहीं पे दोस्तों दो तीन विकेट लेकर चले जाएंगे, मेरे को लग रहा है दोस्तों इनको विकेट मिल जाएंगे क्योंकि बहुत ही बढ़िया है स्विंग बॉलर है, और स्विंग के सामने तो श्रीलंका ऐसे भी फंस जाएंगे। यहाँ पर देखिए एम कैसप ये भी बहुत ही बड़े पिक रहेंगे, पी चोपड़ा ये भी बहुत ही बड़े पिक रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो डिफेंसर पिक रहेंगे ना यहाँ पर वो रहेंगे बी अनुष्का के गौतम, बाकी तो सबका सेम ही टीम होने वाला है, बस वाइस कैप्टन हो सकते हैं इनमें से कोई एक हो जाए, ठीक है। और दोस्तों दो खिलाड़ी को लिया हूँ, ये दोनों बहुत ही बढ़िया डिफेंसर पिक रहेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आप स्मॉल ही खेलना चाहते हो तो अगर डिफेंसर पिक ना हो तो भाई टीम बनाने के कई फायदा, सेम टीम या फिर दोस्तों जो सबका टीम होता है मैं उसी टाइप का टीम नहीं बनाता हूँ, ठीक है। अगर आपको दोस्तों बिल्कुल सेफ टीम चाहिए तो आप खुद से भी बना सकते हैं, किसी और एक्सपर्ट की टीम से भी खेल सकते हैं। जो सेफ टीम बनाने में ना मजा आता है ना खेलने में मजा आता है, वहाँ पर दोस्तों रैंक लेस होगा, ठीक है। फिर एक आधा पॉइंट में जीतोगे या फिर हारोगे क्या फायदा यार, मैं रिस्की टीम बनाता हूँ डिफेंसल टीम बनाता हूँ, मेरी भी दोस्तों मेरे विनिंग परसेंटेज 70% के आसपास है। और मैं कॉन्टेस्ट कौन सा खेलता हूँ, 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर को फॉलो कर रहा है या फिर वो कौन सा लीग खेलते हैं एक बार चेक कर लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएंगे, ठीक है। हेड टू हेड खेलने वाले के भी दोस्तों काफी सारे ऐसे एक्सपर्ट है जिसका विन परसेंटेज 50% के नीचे है, ठीक है। मैंने आप कर रहा हूँ लेकिन ऐसे काफी सारे एक्सपर्ट है, ठीक है। तो आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं थोड़ा सा सोच समझ कर करना, ठीक है, कि किसके टीम से आप विन कर सकते हैं किसके टीम से आप हार सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ आपको दोस्तों आगे जाके प्रॉफिट और लॉस की कारण बनेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रीव्यू मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन में उमा छेत्री को पिक किया हूँ, बैटिंग सेक्शन में देखिए टी जी त्रिष्ठा, फिर देख सकते सेराउंड को पिक किया हूँ, ऑलराउंडर सेक्शन में एम सियानी, फिर देख सकते हैं एम मदे सिंह को पिक किया हूँ, श्रियंका पैटिल के गौतम और बी अनुष्का को पिक किया हूँ, बॉलिंग सेक्शन में के कैसो, फिर देखिए टी साधु और पी चोपड़ा को मैंने जगह दिया हूँ। दोस्तों मैंने आपको जो बताया था वो चीज़ अब जरूर ध्यान में रखना, श्रीलंका जब पहले बॉलिंग करेंगे तो यहाँ पर बी अनुष्का और यहाँ पे के गौतम इन दोनों में से किसी को ड्रॉप करके फिर दोनों को भी ड्रॉप कर सकते हैं, और श्रीलंका की तरफ से जो मैंने ऑप्शन बता दिया उनको पिक करके जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप कई बार ज्वाइन होना है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से आइए और ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आफ्टर टॉस आफ्टर लाइनअप आपको यहीं पर बिल्कुल फाइनल टीम मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक बाय।